गाइस, दिस इज नोमा फ्रॉम टीम इज सॉल्यूशंस और आज हम जा रहे हैं गेमिंग कैफे जो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज किए थे हमने 15 फेब के आसपास। तो आज उसका डिलीवरी है। द गेमिंग कैफे वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसका कंस्ट्रक्शन आज कम्प्लीट हो गया है। सो वी आर गोइंग ऑन द ऑफिस, ऑफिस पर जा रहे हैं अभी हम, ऑफिस पर जाएंगे, देखते हैं क्या चल रहा है ऑफिस पर अभी। सो लेट्स गो इन द ऑफिस एंड सी। सो हम आ गए ऑफिस, हमारे ऑफिस पे न्यू एज वॉन्डर ओमकार भाई से आई, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अदनान, अतुल एंड जो कैफे का ऑर्डर था, सो दीज पीसीज आर रेडी, वी आर जस्ट पैकिंग इट अप फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो कैफे बेसिकली अंधेरी में है, सो वी विल बी ट्रांसपोर्टिंग इट पर्सनली। हम लोग जा रहे हैं तीनों चारों पीसी देने एंड विल शूट अ वीडियो ऑफ कैफे। सो कम्प्लीट नहीं हुआ, टोटल मार्केटिंग पार्ट बाकी है, जो ब्रांडिंग करने वाली है ये कूलर मास्टर गीगाबाइट, वो सब, तो वो सब थोड़ा बाकी है। तो वो सब कम्प्लीट होगा तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसके अंदर ही। तो आर टेम्पो इज लोडेड, अब हम जाएंगे अंधेरी, फिर इसको अनलोड करेंगे और पूरा वहाँ पर हमें चेयर्स भी सेटअप करना है। सो आई एम गोइंग टू मीट यू इन अंधेरी। सो वी हैव रीच्ड लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, सो अभी हम लोग क्या बोलते हैं डिसलोड कर रहे हैं पैकेज को and it is going to go third floor upar the building mein. So we are unpacking, hum ye unload kar rahe hain sab kuch, fir ye jayega lift mein, then yahan se jayega third floor mein cafe ke andar. So abhi baj rahe hain raat ke 12, and we are at the cafe, inka construction is still going on. So we'll go inside. ये हमने सुबह ही सेटअप किया था, सुबह नहीं दोपहर में। नाउ वी आर गोइंग टू असेंबल चेयर, चेयर्स यहाँ पड़ी है, दो चेयर ऊपर ऑलरेडी असेंबल हो गई है एंड रिमेनिंग 8 चेयर्स विल बी असेंबल्ड। सो ये इनका कैफे का कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, पीसीज के बॉक्सेस विच इज असेंबल्ड अपस्टेयर्स, यू कैन जस्ट सी सिंपली गेमिंग, ये इनके कैफे का नाम है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में होगा। सो गेमिंग पीसीज विल बी अप देयर, यहाँ पे दे विल बी कीपिंग PS5 स्टफ। सो यहाँ पे हमने सेटअप किया है गेमिंग पीसीज, यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। तो ये दो चेयर हमने असेंबल किए, 1 रेड एंड 1 ग्रे एंड रिमेनिंग 8 चेयर्स आर पेंडिंग। सो ये पीसीज असेंबल है, 5 यहाँ पे है एंड 5 पीसीज यहाँ पे हैं। सो इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सो यू कैन गाइस चेक आउट द कैफे। सो हमारी 9 चेयर्स हो गई असेंबल एंड ये फाइनल चेयर हम लोग कर रहे हैं। सो ऑल 10 चेयर्स आर असेंबल्ड नाउ। इसके बाद 2 वीक्स लेटर यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको प्रो ऑडियो वीडियो दिखेगा, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर बैंक है तमिल मर्चेंटल बैंक सरदार जी। फिर यहाँ से एंट्री लेके यू हैव टू गो टू द थर्ड फ्लोर, जाएंगे आप थर्ड फ्लोर पे। देयर इज अ लिफ्ट फॉर यू टू गो। सो हम यहाँ पर अभी KFC खाने जा रहे हैं, KFC एंड दिस इज मालपुआ जस्ट जो आपने अभी पहले देखा। सो खाते हैं, पहले खाते एंड लास्ट टाइम 2 वीक्स पहले इनका कंस्ट्रक्शन, 2 वीक्स पहले इनका कंस्ट्रक्शन चालू था, तो आई गेस अभी हो गया कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट। इनका PS5 भी आना बाकी था, PS5 भी चालू हो गया है, PS5 हो गया। यहाँ से फिर आपको लेना है राइट, तो ये रहा सिंपली गेमिंग, ये है इनका कैफे, लाइट्स ऑफ है अभी, आई डोंट नो व्हाई। बंद अभी जाते हैं हम, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सारे सारे ऑफिसेज बंद है,
तो रात के अभी काफ़ी देर हो गई है, हम यहाँ पर आप 24/7 ये कैफ़े में विजिट कर सकते हो। ये भी कैफ़े आपको मिलेगा लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट अंधेरी में, और तो आप आके 24/7 खेल सकते हो एंड ये लीगल है, आप लीगली आ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको। सो चलिए मैं आपको कैफ़े का टूर दिखाता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंपली गेमिंग, ये कैफ़े का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द गेम। सो ये एंट्रेंस है कैफे का एंड दिस इज द रिसेप्शन एरिया। ओह सॉरी, सबके साथ होता है। सो दिस इज मेन मेन पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक PS5 कंसोल है एंड PS5 VR भी यहाँ पर, Oculus भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर Oculus। तो अगर आपको आपके दोस्तों के साथ VR गेमिंग खेलना है तो अप टू 4 हेडसेट्स अवेलेबल है VR Oculus के, तो आप अपनी टीम के साथ खेल सकते हो VR। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक बीन बैग है एंड रेसिंग के लिए आपको सेटअप दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ Xbox X है, उसके साथ आप खेल सकते हो। तो काफ़ी स्पेशियस भी है, आपको मूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी जगह मिलती है। तो जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक कि आप ओमकार भाई खुद खेल चुके हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी बात करूँगा अगर इन सबकी प्राइसिंग का, तो क्या प्राइसिंग है एंटर, तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.simplygaming.in। इनकी वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो, आप बुक भी कर सकते हो अपना स्लॉट। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पर आकर बुक करना है, आप बुक कर सकते हो एंड पूरी नाइट भी आपको बुक करना है, आप पूरी नाइट खेल सकते हो। इन एडवांस आप अपने डायरेक्टली वेबसाइट पर बुक कर सकते हो या फिर इनको DM कर सकते हो। ओके, तो चलिए बताइए, तो चलिए हम जाते हैं आगे। तो ये सेक्शन हो गया हमारा कंसोल्स का, सो लेट्स गो अप। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर सारे PC के सेटअप से जो हमने किया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अबाउट 10 PCs यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपका कोई टीम का मैच है तो आप यहाँ पर आके खेल सकते हो, आप वैलोरेंट, CSGO और ओडिसी, Assassin's Creed, GTA 5 काइंड ऑफ सारे गेम्स आप खेल सकते हो बेसिकली। और हमने इसी चीज़ का जो भी बेंचमार्क्स होता है हम आपको आगे के पार्ट में दिखाएंगे। ओके गाइस, तो अभी हमारा सेटअप हो गया है पूरा कैफे का। तो अदनान सर, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आपको जैसे मैंने अभी बताया कि लेट्स स्टार्ट विद द टूर। तो ये आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 10 PCs यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये कैफे, और अभी हम रात के आई गेस अराउंड 3:16 हो रहा है। ओके, सो हम 3:16 को आए एंड हम 12 बजे तक के आ गए थे। सो ये कैफे 24/7 ओपन होता है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये PC पे ये 165 हर्ट्ज डिस्प्ले है एंड 1080p मॉनिटर है। तो ये जो RTX 3060 प्लस 12400F जो i5 है इंटेल का 12th जनरेशन, उसमें आपको क्या परफॉर्मेंस मिलती है 1080p गेमिंग 165 हर्ट्ज पे। तो चलिए हम देखते हैं क्या परफॉर्मेंस मिलती है। तो जैसे कि गेम टाइटल्स जो मैं आपको बताऊंगा वो है स्टोरी लाइन गेम्स, FPS गेम्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि Assassin's Creed हो गया और लोगों का सबसे फेवरेट GTA 5 हो गया, Valorant एंड CSGO, ये चार गेम्स मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है, बेसिकली क्या परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो चलिए अभी चालू करते हैं गेम और उनका FPS देखते हैं ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स। ओके सर, सो देखिए जैसा आप देख सकते हैं ये मैंने गेम किया हूँ स्टार्ट, ये है Assassin's Creed Odyssey, ये एक AAA टाइटल है एंड काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव टाइटल है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टेक्सचर्स होते हैं, काफ़ी ये हो सकते हैं, उसके जो भी यूजेजेस है आप देख सकते हो कि आपका CPU का क्या यूजेज हो रहा है, आपको क्या FPS मिल रहा है। एंड ये सारी सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अल्ट्रा सेटिंग्स पे है, आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं, ऑप्शंस एंड ग्राफिक्स। तो ये सब आप सेटिंग्स जो देख सकते हैं ये सब अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे सेट किया हुआ है। एंड ये पूरा 1080p मॉनिटर है एंड 165 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है। तो अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे आपको ऑन एन एवरेज अराउंड 80 FPS मिल रहा है, और आप देख सकते हो कि आपका GPU टेम्परेचर, आपका GPU परसेंटेज 100% आपका GPU यूज़ हो रहा है एंड आपका CPU भी ऑलमोस्ट जहाँ पर रिक्वायर्ड है CPU का प्रोसेसिंग वहाँ पर आपका CPU का प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यस, तो यहाँ पर कोई बॉटलनेक का कोई भी चांस नहीं है, आप ये PC अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना है जैसे कि Assassin's Creed Odyssey, GTA 5 और काफ़ी सारे ओपन गेम्स जो है, साइबर पंक हो गया, आप खेल सकते हो। तो आपको यहाँ पर बॉटल नेकिंग का कोई भी फैक्टर दिखाई नहीं दे सकता, आप क्लियर जो आपको दिखता है जो मेन
बेंचमार्क है, आप यहीं पर देख सकते हो कि आपको अच्छा FPS भी मिल रहा है एंड आपका जो भी यूटिलाइजेशन है GPU का 97% यूटिलाइजेशन है एंड CPU का आपका 43% यूटिलाइजेशन, अराउंड 43-50% जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो देख सकते हैं जैसा कि आप इस गेम में देख सकते हैं मैं इतने हाई क्वालिटी पे सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ, अल्ट्रा हाई पे, तो आपको ऑन एन एवरेज अराउंड 70 FPS 60 FPS प्लस मिलना ही मिलना है। तो आप इजीली RTX 3060 का इस्तेमाल करके आप अच्छा फ्रेम्स थ्रूपुट कर सकते हैं आईफाई के साथ पेयर करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद FPS गेम दिखाता हूँ, आपका फेवरेट गेम Valorant एंड आपका फेवरेट गेम GTA 5, वो सबके भी बेंचमार्क में आगे दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने Valorant जो गेम है काफी फेमस गेम है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसका FPS भी देख सकते हो, यहाँ पर आप यूटिलाइजेशन देख सकते हो कि क्या यूटिलाइजेशन आ रही है। तो FPS के बारे में अगर मैं बात करूँ तो FPS अराउंड 300 FPS तो मुझे मिल ही रहा है एंड मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ यहाँ पर। सेटिंग्स कहाँ गई, यस जनरल सॉरी वीडियो ग्राफिक्स क्वालिटी, सो आप यहाँ पर सेटिंग्स देख सकते हैं, सारा सेटिंग्स सब हाई पे है, हाई पे सेट है, आप सब देख सकते हैं पूरा अल्ट्रा सेटिंग्स पे सेट किया हुआ है एंड स्टिल आई एम गेटिंग अराउंड 250-300 FPS। तो Valorant में भी अगर आप देखा जाए तो Valorant में भी काफ़ी अच्छा FPS मिल रहा है, तो आप कंपेटिटिव गेम भी इसके साथ अच्छे से खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग। ओके, तो ये हो गए FPS के बारे में और कैसा पूरा मशीन वर्क कर रहा है उसके बारे में। तो गाइस आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो कैफ़े है, ये कैफ़े का पूरा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ये कैफ़े एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पर है, अंधेरी में किधर एग्जैक्टली लोकेटेड है, तो मैं सब कुछ इसका डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो डू विजिट दिस कैफे और आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू अस, बाय।